हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई ब्लॉगिंग वंस अगेन। आज का जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू माइन बिटकॉइन यूजिंग योर ओन सीपीयू। अगर आप बिटकॉइन को माइन करना चाहते हैं अपने सीपीयू के थ्रू, तो आप कैसे माइन कर सकते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। अब आप सोचेंगे कि यार इसमें कोई प्रॉफिट है या नहीं है। देखिए, प्रॉफिट तो इतना ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको, बट आपको थ्रिल जरूर मिलेगा बिटकॉइन माइनिंग के अंदर। ठीक है, तो आप अपने सीपीयू को यूज करके बिटकॉइन कैसे माइन कर सकते हैं और एक डिसेंट प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो आपको बहुत मजा आने वाला है, अगर आपको थ्रिल में मजा आता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार बिटकॉइन क्या है, माइनिंग कैसे करता है, तो आज मैं उनको बता देता हूँ यार कि बिटकॉइन माइनिंग कैसे आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। मैं अपने खुद, मेरे पास i7 प्रोसेसर है, मैं डेस्कटॉप से माइनिंग कर रहा हूँ। इवन आप अपना जीपीयू भी यूज कर सकते हैं माइनिंग करने के लिए। अगर आपके पास जीपीयू है, एएमडी प्रोसेसर है, एनवीडिया का है, जो भी आप प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं, जीपीयू आप यूज करते हैं तो आपको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सीपीयू में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, और आप चाहें, अगर आपके पास 3 से 4 कंप्यूटर, तो 4 कंप्यूटर को आप माइनिंग के लिए एक साथ लगा सकते हैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए, जिसमें आप पर डे का आप कम से कम 1000 सतोशी से 1200 सतोशी पर डे कमा सकते हो। मतलब मंथली आप 30,000 सतोशी तक कमा सकते हो। मतलब मंथली हो गया अराउंड 1200 से 15 डॉलर, 15 डॉलर का कोई बुरा तो नहीं है यार, फिर भी आप कमा सकते हो अगर आप अपना सीपीयू यूज करके पैसे कमाना चाहते हो। ठीक है, तो गाइस चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर को यूज करके माइन कर सकते हैं बिटकॉइंस को। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अभी nicehash.com खोला हुआ है। आप nicehash.com आपको खोलना है, और आपको सबसे पहले देखो, आप माइनिंग करने से पहले सबसे पहले आपको इस पे साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए आप nicehash.com खोल के साइन अप का जो ऑप्शन आता है उस पर जाके आप साइन अप कर लेंगे। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज है। आप उसे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। साइन अप करने के बाद आपको ये आपको ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा, माइनिंग का ऑप्शन दे देगा। आपको सिर्फ अपना बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस उसके अंदर डालना है, और बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस डालने के लिए आप यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे वॉलेट्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से डिपॉजिट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, और ये शो बिटकॉइन एड्रेस, देखो यहाँ पे बिटकॉइन एड्रेस है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे यार कि सर हम डाउनलोड कहाँ से करें नाइस है, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जो डाउनलोड डाउनलोड करने का है वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ नीचे आना है डाउनलोड सेंटर के अंदर। ठीक है, यहाँ डाउनलोड सेंटर में आप आए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, नाइस हैश माइनर फॉर एएमडी एनवीडिया सपोर्ट्स बोथ इंटेल एंड एएमडी सीपीयू। ठीक है, ये देखो ये सबको सपोर्ट करता है। अगर आपके पास एएमडी सीपीयू है तो और भी अच्छी बात है, जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ज्यादा माइनिंग स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने साइन अप कर रखा है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा, बस आपको अपना बिटकॉइन एड्रेस वहां पे डालना है। ठीक है, यहाँ करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलेगा, नाइस एस माइनर। ठीक है, बहुत ईजी है माइन करना, मैं सिर्फ इसको ऑन करूंगा। ये मैंने ऑन किया, ये देखो ये चेकिंग सीपीयू इंफॉर्मेशन, अब ये ऑटोमेटिकली माइन करने के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये देखो नाइस हैश माइनर विल स्टार्ट सून, जैसे ही माइनर स्टार्ट, ये देखो अभी ये माइनर स्टार्ट हो गया। इसमें आपको अब यहाँ आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना है मैं आपको बताता हूँ। अब आपको डिवाइसेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये आप गए, अब यहाँ पे देखो स्टेटस, देखो यहाँ पे ये मिल रहा है, एक तो सीपीयू का ऑप्शन मिलता है, आप इनेबल ऑल कर दीजिए, और एक आपको जीपीयू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जीपीयू का यहां से आप चाहो तो जीपीयू भी माइनिंग कर सकते हैं, और आप यहां से चाहो तो सीपीयू भी माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जीपीयू में आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, सीपीयू में आपको कम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अभी मैं आपको सीपीयू माइनिंग दिखा रहा हूँ, ज्यादातर लोगों के पास जीपीयू नहीं होता है, सिर्फ सीपीयू होता है, तो सीपीयू माइनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास जीपीयू है तो आप जीपीयू माइनिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से प्ले कर दिया। ठीक है, और स्टेटस माइनिंग आई आ गया, ये देखो यहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो है बिटकॉइन माइनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ईजी है यार। ठीक है, थ्रेड्स 4 to 4, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, वर्कर नेम है, जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड पे आऊंगा, ये देखो माइनिंग जो है स्टार्ट हो गई है, और करंट प्रॉफिटेबिलिटी 240 और एमबीटीसी 200 ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको माइनिंग को चालू रखता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट कमाने को मिले, मतलब काफी मजा आने वाला है। और यार देखो डैशबोर्ड में आपको पहले, ये देखो अगर मैं इसके यहाँ पे कहाँ पे गया, वो नाइस हैश में यहाँ पे जाता हूँ, और एक मिनट को मैं यहाँ से नाइस हैश स्लैश, ये मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आता हूँ,
तो गाइस ये देखो टोटल एसेट 231 बीटीसी मैंने वाकई में माइंड किए हैं। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, आपको लगे यार कि मैं साला पागल तो नहीं बना रहा। ये देखो टोटल बिटकॉइन 231 बीटीसी ये मैंने वाकई में मैंने माइंड किए हैं, ठीक है। मतलब ये माइनिंग के थ्रू ही मैंने बनाया। मैंने 12 घंटे माइन किया था इनको अपने कंप्यूटर से, तो मैं 231 बीटीसी मिलता। अगर 24 घंटे मिलता तो 631 करीब बीटीसी मुझे मिल जाते हैं अप्रॉक्स 600 600, आई मीन टू से नॉट बीटीसी, 600 सतोशी। कल आप मुझे बोलोगे यार तेरे को पता नहीं है, यार मैं पहले गलती से मेरे मुंह से निकल गया, 600 सतोशी मतलब 231 सतोशी मुझे यहाँ पे मिले हैं। 600 सतोशी मतलब हो गया महीने का 18,000 सतोशी तक मिल सकता है आपको। तो आप चाहो तो आप माइंड कर सकते हो, अगर आप फ्री हो, आपको थ्रिल चाहिए, मजा आता है आपको, तो आप इसे यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।